एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से अपील किया है कि शहर में प्रतिदिन प्रमुख स्थानों पर लगाए गए शिविर में कोरोना की जांच कराई जाए। इसके अलावा 5 जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से कोरोना की जांच कराई जा रही है। एसडीएम सदर ने बताया कि 12 सितंबर को शहर में 5 जगहों पर कोरोना जांच शिविर लगाया जाएगा। सभी लोग जांच शिविर पहुंचकर निःशुल्क कोरोना जांच कराएं, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में आज भी कई जगह लगभग 15-16 सेंटर्स थे, वहाँ पे कैंप लगाया गया। बाकी सेंटर्स पे अवकाश के कारण कैंप नहीं लगा है। कल टीकाकरण का दिन रहता है, जहाँ पे रेगुलर टीकाकरण होते हैं अर्बन पीएससी पे, तो कुछ अर्बन पीएससी जो हमारे हैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे कैंप लगा है 4-5 जगह पे। बाकी मूलतः कल शनिवार का दिन जो नियमित टीकाकरण है उसका रहता है, तो इम्यूनाइजेशन के कारण कल 22 सेंटर्स पे हमारा कैंप लगेगा, केवल 4-5 सेंटर्स पे कैंप लगेगा। उसकी सूची तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, इन कैंपों में होने वाले निःशुल्क कोरोना जांच में अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर अपने और अपने परिवार की कोरोना जांच कराएं। किसी को भी अगर कोई लक्षण नज़र आते हैं, सर्दी खांसी बुखार जुकाम, किसी भी प्रकार का बॉडी पेन, किसी भी प्रकार का कुछ लक्षण नज़र आता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया है, वो तुरंत जाकर अपने इन कैंपों में अपनी निःशुल्क कोरोना जाँच कराएँ। आप और हम मिलकर ही इसको कर सकते हैं, जांच ही इसका इलाज है।